हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिर्फ आपके पास 7 दिन बचे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड का जो भी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसको निरंतर रखना, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड में एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका लास्ट डेट 14 जून है, जो कि आज से 7 दिन सिर्फ बचे हैं। और दोस्तों 14 जून के बाद से जो है, अगर आप इस चीज़ को करने जाते हैं तो उसके लिए UIDAI जो है आपसे पेमेंट लेगा। जैसे कि जब आधार पैन का जब स्टार्टिंग में सिस्टम आया था उस समय फ्री था, और जब उसका डेट खत्म हो गया तो उसके बाद से उसने चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज के डेट में 1000 रुपए चार्ज लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्री में करना है तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अपने आधार कार्ड में एक वैलिड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में myaadhar.uidai.gov.in, जो कि आधार कार्ड का नया वेबसाइट है, आपको इसी वाले वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे आपको अपना आधार नंबर भरना है। इस कैप्चा कोड को यहां पे भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड होगा, उस ओटीपी को यहां पे आपको इंटर ओटीपी में फिलअप कर देना है और आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक होते ही दोस्तों, यहां पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। दोस्तों, आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों मेंशन हो। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2023। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे 14 जून 2023 तक ये सर्विस जो है बिल्कुल फ्री है। इसके बाद से इस पर कितना चार्ज लगेगा इसका भी कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट चार्ज लगेगा। वो कितना लगेगा वो UIDAI जानता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं फ्री में करना तो फटाफट ये अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप उठाइए और इस प्रोसेस को स्टार्ट करिए। अभी यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों, जो भी आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, तो यहां पे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अभी यहां पे आपको इस कंसेंट पे आपको क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक होते ही दोस्तों यहां पे बता रहा है कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसकी साइज जो है वो आपको 2 MB मैक्सिमम होनी चाहिए और 2 MB से नीचे आप अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे जो सपोर्टिंग फॉर्मेट है वो JPG, PNG और PDF फाइल है। आप JPG, PNG और PDF में इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पे दिया हुआ है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहां पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आपको पहचान पत्र देना है, जिसके लिए यहां पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहां पे हम ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है और आपने जहां भी फाइल को रखा है वहां से इसको आपको अपलोड कर देना है। अभी दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, जो हमने फाइल यहां पे अपलोड किया है वो यहां पे फाइनली अपलोड हो गया है। अब दोस्तों यहां पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और दोस्तों यहां पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब कि आपको अपना जो भी पता का प्रमाण है वो यहां पे अपलोड करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको उसी डॉक्यूमेंट को यहां पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मेरे पास जो है वो पता का जो प्रमाण है वो हमारे पास जो है वोटर आईडी कार्ड है, तो हम वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे और देन यहां पे फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और जहां भी हमारा फाइल है उसको यहां पे हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये भी फाइल हमारा जो है 100% अपलोड हो गया है। अब दोस्तों यहां पे ये जो कंसेंट है आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14 जून 2023। मतलब यहां पे बता रहा है ये जो सर्विस है ये बिल्कुल फ्री है। तो यहां पे दोस्तों अभी हमें क्या करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो गया है, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल बता रहा है और यहाँ पे अमाउंट जो है जीरो है जो कि यहाँ पे 14 जून तक फ्री है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जीरो बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये डाउनलोड जो है हो गया है। दोस्तों अगर आप 14 जून के बाद करते हैं तो यही चीज़ आपको चार्ज पे करके करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि आधार पैन लिंक करना ज़रूरी है वैसे ही आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना भी ज़रूरी है। दोस्तों यहां पे अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग काफ़ी रिसेंटली अपना नया आधार कार्ड बनवाए हैं हो सकता है उनके में ये ऑप्शन ना आए, बाकी जितने भी पुराने आधार कार्ड धारक हैं जो काफ़ी पहले से बनवा रखे हैं उन सभी लोगों में ये डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आया होगा तो उनको ये डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।